अस्सलाम वालेकुम असद अब्बास काविश बैंड, आप सब बहुत खूबसूरत प्ले कर रहे हैं। आपका तारुफ मुकम्मल मैं स्क्रीन पे अपने ऑडियंस के साथ कराऊंगी, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से हम अपने आज के हर रोज का, हर सुबह का, हर दिन का आगाज करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उसकी रहमतें, उसकी बरकतें हमारी जिंदगियों में, हमारी जिंदगी के तमाम मामलात में कार फरमा हो, हमारे घरों में सुकून हो, हमारे मुल्क में सुकून हो, खुशी हो, खुशहाली हो, अमन हो। ये तमाम ख्वाहिशात हर एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन अभी ये जो खूबसूरत सी हमदम सुन रहे थे उसमें है ना कि जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, वो रब जिसने के कायनात तख्लीक की अपने लिए कि मैं पहचाना जाऊं, जिसने ये तख्लीक किया कि उसकी इबादत की जाए, उसको माना जाए, उसके कुछ बंदे हों, उसने भी अपने आप तक पहुंचने के लिए कुछ असरार और रमूज ऐसे रखे हैं कि जिसमें मतलब कि वो किस तरह से इंसान जो है अपने रब को पाले, उसका कोई ना कोई रास्ता है, उसकी कोई ना कोई सही है, उसका कोई ना कोई जुस्तजू। ऐसे नहीं है कि हम कुछ ना करें और हम बगैर कुछ किए, बगैर कोई सही और तगोदो किए हुए अपने रब को पालेंगे, और हम बगैर कुछ हासिल, कुछ मेहनत किए हुए किसी चीज को हासिल कर लेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ये एक बड़ी खूबसूरत सी बात है। और एक दफा कहते हैं कि एक कुछ पहाड़ियों से पूछा कि आपने इतनी मुश्किल जगह पे घर बनाया है, वो वहां पे जाके आप रहते हैं, इतने मुश्किल पहाड़ी रास्ते हैं, रास्ते में घाटियां हैं, कोई कहां से पहुंचे आप तक। तो एक उनमें बड़ा दाना शख्स था, उसने बड़ा हंस के जवाब दिया और जवाब बड़ा खूबसूरत है। उसने कहा कि जो हमसे मिलने की ख्वाहिश रखेगा ना, जिससे हमसे मिलने की आरजू होगी, वो इन मुश्किल दुश्वार गुजार रास्तों पर चढ़कर, इन घाटियों से गुजर कर, तमाम मुश्किल अबूर करके भी पहुंचेगा हम तक, और वही खालिस और वही मुखलिस होगा और वही सच्चा होगा और वही इस काबिल होगा कि उससे मिला जाए। और वो लोग जो कि नहीं आ सकेंगे हम तक, इसलिए कि यार रास्ता बहुत मुश्किल है, कौन इन तकलीफों में पड़े, किसको पड़ी है कि वो इन खामखा की आजमाइशों में अपने आप को डाले, वो इस काबिल ही नहीं कि उससे मिला जाए। सो हमारा ये जो रास्ते हैं ये फिल्टर कर देते हैं बहुत सारे लोगों को हम तक पहुँचने में। और देखा जाए तो बड़ी समझ की, बड़ी दानाई की बात है, बाज औकात हम अपने आप को बिल्कुल, ये जो ये पत्थर यहाँ पे पड़े हुए ना, ये खूबसूरत से पत्थर, ये जो दरिया के किनारे पड़े हो, तो हमें बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं जैसे दरिया का हिस्सा है यार। कौन सा कमाल है कि अगर इतना खूबसूरत एक चतकुबरा सा, इतने खूबसूरत रंगों वाला पत्थर जो है वहां पे पड़ा हुआ है, लेकिन इस पत्थर को खास बना के यहाँ पे रख दिया गया तो ये थोड़ा सा और खास हो गया, इसको किसी और अंदाज में सजा लिया जाएगा, ये कुछ और खास हो जाएगा। ये इसके खास होने का जो दर्जा है वो इससे होता है कि इसको ट्रीट कैसे किया जा रहा है, उसको लिया कैसे जा रहा है। और जो शख्स हमें लेता नहीं है ना अच्छी तरह से, जो शख्स हमें ट्रीट नहीं करता अच्छी तरह से, जो हमें वैल्यू नहीं करता अच्छी तरह से, वो शख्स इस काबिल नहीं है कि उससे मिला जाए, कि उसके उस, ये जिद दुरुस्त है कि तवाजो का, इनकसारी का, एजिस का, मिलनसारी का एक अपना रवैया, एक अपना अंदाज होता है। हमें दुश्मनों को माफ करने, दरगुजर करने, हमें अच्छे अंदाज से चीजों को लेके चलने का भी हुक्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ते में पड़े हुए इन पत्थरों की तरह हो जाएं कि जिसका दिल चाहे वो अपनी ठोकरों से हमें इधर उड़ा दे, जिसका दिल चाहे वो ठोकरों से उधर उड़ा दे, जिसका दिल चाहे वो हमें बेदर्दी से रौंद के चला जाए, जिसका दिल चाहे वो जहां हमारे जज्बात को चाहे पामाल कर दे। इसका इख्तियार हमारे अपने हाथ में है, जैसे रब ने अपने लिए क्राइटेरिया रखा है ना कि जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, इस तरह से इंसान के अपने लिए भी थोड़ा सा एक क्राइटेरिया होना चाहिए, खासतौर पे लड़कियों के लिए। हम लोग बहुत जल्दी डुल जाते हैं, हम लोग बहुत जल्दी है ना, ये सही कह रही हूँ ना मैं, कि मैं खुद एक औरत हूं, मुझे पता है कोई वैसे ही कहते आई लव यू, हम कहते हैं अल्लाह क्या हो गया है ये हमारे साथ, है ना, हमें लगता है कि हुआ ये तो आज तक कहा ही नहीं गया। और ये जो शख्स हमसे कह रहा है ना, बस यही अच्छा सच्चा और खालिस है, हालांकि पता तब चलता है कि वो कितने दुश्वार गुजार घाटियों से, रास्तों से, पुलों से अबूर करके हम तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, या रास्ते में ही थक हार के बैठ जाता है। सोचो अगर वो शीरियों फरहाद ने, अगर फरहाद ने नहर ना खोदी होती आज उसका कोई नाम होता, कितने शीरी को भी कहने वाले मिले होंगे आई लव यू शीरी, आप जैसे तो कोई है ही नहीं, आप जैसी आंखें नहीं, आप जैसे बाल नहीं, है ना। लेकिन वो फरहाद ही था, उसने क्या किया, उसने तेशा उठाया, उसने कहा चलो नहर खोदते हैं। वो नहर खोदने अपने जस्तुजू की वजह से, अपनी जद्दोजहद की वजह से अमर हो गया तारीख में, और मोहब्बत करने वालों में उसका नाम जो है वो रकम हो गया। मोहब्बत से मुझे याद आया, भाई कहाँ मिली हूँ मैं तुमसे, किधर देख रहे हो, कहाँ मिली हूँ मैं आपसे, इस्लामाबाद में। अच्छा 16 को तो फूल नहीं होता ना, वो यकम अप्रैल को फूल होता है। अच्छा तो 16 अप्रैल को जब हम मिले थे तो उस वक्त से फिर आप इस लाहौर आ गए। उसके बाद हाँ, मैं जब वहाँ पे मैं रियाड इंस्टीट्यूट में था, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था, अभी भी मैं स्टेप में यहाँ पे होता हूँ, ये भी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। जबरदस्त, मैं अभी खवातीन के लिए बात कर रही थी, ये सही है,
हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्दी। एक्चुअली अगर वाकई बात, अगर कोई अपनी एफर्ट वगैरह नहीं करता इतनी तो उसे कोई याद नहीं रखता, उसे कोई याद नहीं रखता। हाँ। हमें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले गए इस बात को, तो बड़े आराम से कह देते हैं आई लव यू, और बाद में कहते हो दरअसल मैं तो शादी करना चाहता था, मेरी अम्मा जो है ना वो नहीं मानती। असल में अम्मी को के कदमों तले जन्नत है, अम्मी को बहाना बना देते हैं, माँ के कदमों तले जन्नत है। सही बात, तो मैं जन्नत जो है ना वो नहीं अपनी खोना चाहता, तो तुम जाओ जहन्नुम में, मैं अपनी जन्नत कमाऊंगा। जी है ना जी, सो फिर पहले सोच लेना चाहिए ना। नहीं प्यार तो खैर जायज है, ऐसे तो कोई बात क्या 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 मतलब प्यार करना तो जायज है, प्यार करना जायज है, किसी के साथ ज्यादती करना जायज नहीं है। नहीं ज्यादती करना बिल्कुल जायज है ना। हाँ। तो जब आप प्यार करें तो उसमें ये ना हो कि आप दूसरे के साथ ज्यादती कर जाएं। नहीं ये तो अपने प्यार के चक्कर में नहीं, खैर प्यार हो जाता है। अरे मुझे याद है इसके पास था कितनी सिम्स थी, वो उस दिन टॉपिक ये चल रहा था कि मोबाइल सिम्स पे इंच। आज भी टॉपिक हो सकता है, टॉपिक की क्या बात है, मैं और आप का टॉपिक यही। मेरे पास उस टाइम चार सिम्स थी। अच्छा चार सिम्स थी, और आप कितनी है अभी? एक है अभी, सुपर कार्ड चल रहे हैं तो इस वजह से सबका नेटवर्क आ जाता है, सबका नेटवर्क आ जाता है। सही बात है जी, नहीं पक्की बात है। हाँ। अरे और कौन कौन है जिसके पास सिर्फ एक सिम है? लड़कियां मेजोरिटी और लड़के, बाकी आपके पास एक भी नहीं है? दो है। अच्छा बाकियों के पास तीन है? दो एक। अरे दो सिम, एक से ज्यादा सिम रखने की जरूरत क्या पेश आती है? मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक हांगकांग से कॉल आ रही है, एक अमेरिका से कॉल आ रही है, कभी यूज करने की जरूरत पड़ ही जाती, कैसे पता चलता है कि अब ये जरूरत पड़ गई है? जब दूसरी में बैलेंस खत्म हो दूसरी यूज करनी पड़ जाती है। अच्छा आप भी मैसेज करते हैं प्लीज खुदा के लिए मुझे बैलेंस भरवा दीजिए, मैं आपको जिंदगी भर बैलेंस यूज करने की जरूरत है, सुपर कार्ड ज्यादा बेहतर है, सुपर कार्ड ज्यादा बेहतर है। अरे इस तरह के हमारे सारे मैसेजेस लड़कियों की तरफ से क्यों आते हैं? मैं शाजिया आपको सारी जिंदगी के लिए दुआएं दूंगी, मुझे प्लीज 100 रुपए का बैलेंस भेज दीजिए। ये मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं अकमल प्लीज मुझे आपकी मदद की जरूरत है, जरा 100 रुपए का बैलेंस डाल दीजिए, है ना? हम कभी भी बैलेंस नहीं डलवाएंगे। किसी ने कभी शाजिया को ऐसे मैसेज बैलेंस डलवा के दिए? कोई भी मैसेज आता है, मैं जी मैं फलानी बोल रही हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे 100 रुपए का बैलेंस डलवा। अक्सर कहते हैं कि मेरी अम्मी हॉस्पिटल में और मैं बहुत तकलीफ। हाँ, मेरी खुदा के लिए मदद डाल के दे दें। हाँ, मैं वापस कर दूंगी, जबकि फिर पता भी नहीं चलता, जबकि फिर पता भी नहीं चलता। और अगर कोई बैलेंस डलवा दे तो उसके बाद वो फोन भी करना शुरू कर देता है, आपकी अम्मी की तबीयत अब कैसी है, क्या आपको और किसी चीज की जरूरत तो नहीं, भले घर में बेगम कह रही हो, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ लेकर आओ, लेकिन उसको कह रहे होते हैं किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं लेकर आपकी खिदमत में। अच्छा जी कॉलर भी मेरे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो बहुत अच्छा है, सेट बहुत अच्छा लग रहा है आपका। अब बहुत शुक्रिया आपका, सेट वालों की बहुत काविश। आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है आपकी, और आपके लिए मैं शेर कहना चाहूंगी जनाब, आपकी जिंदगी का हर पल गुलाब हो जाए, आपकी जिंदगी का मेवर कोई आफ्ताब हो जाए, जिन पर बरसती हो अल्लाह की खास रहमतें उनमें आपका भी इंतखाब हो जाए। क्या बात है, जबरदस्त, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया शाजिया। आफ्ताब कौन है? आप है, कोई है आप? नहीं आपने कहा कोई आपकी जिंदगी का आफ्ताब हो जाए। जी वो है। हर आफ्ताब थोड़ी अच्छा लगता है, कोई कोई आफ्ताब होता है। अच्छा जी शाजिया जी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जी, आपका बहुत एहसान, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा ब्रेक लूंगी मैं, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से कराऊंगी, मेरे बहुत खूबसूरत से मेहमान हैं जिनसे गपशप और मुलाकात होगी। सो ब्रेक लेने के बाद जब मैं आपसे मिलूंगी तो बुलवाऊंगी यहाँ पे अपने खूबसूरत से मेहमानों को। क्या मैं नाम बता दूं मेहमानों के? अच्छा जी मैं, अच्छा आपको पता है? बता दे। हाथ खड़ा करके ऐसे कह रहे थे मैं हिसाब के टीचर हूँ, कहते हाँ जी ठीक है जी मुझे भी आता है। अच्छा जी मैं आपकी मुलाकात आज इन मेहमानों से कराऊंगी, दोनों बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, बहुत बाकमाल। एक तो हम मिलेंगे मिकाल से और उनसे गपशप में मुलाकात होगी, है ना? अच्छा दोबारा से करना ये जेस्चर, दोबारा से करना ये मिकाल, जब मैंने कहा हम मिलेंगे आज मिकाल से तो कैसे कहा? ये ऐसे नहीं, इन्होंने कहा
کیا تھا کیا آپ اتنی زیادہ میکال کی فین ہیں یا ویری گڈ سو ایک اور ہماری خوبصورت سی فنکار جو کہ آپ سے ملیں گی ان کا بھی کمال قسم کا کام ہے سو آپ کی ملاقات ہوگی ماہا وارسی سے ہم بریک کے لیے رک رہے ہیں بریک کے بعد پھر ملاقات ویلکم بیک خوش آمدید اچھا کتنے لوگ ویلکم بیک کہتے ہیں کسی کو اور کتنے لوگ کہتے ہیں خوش آمدید مطلب کتنے انگریزی میڈیم ہے اور کتنے اردو میڈیم ہے یہاں پہ سیدھی سیدھی اب تو ویسے اردو میڈیم رہ گئے میں آپ لوگوں کی جنریشن میں ہے کوئی جو کہے میں اردو میڈیم ہے اور میں انگریزی میڈیم ہوں سارے انگریزی میڈیم ہیں پکی بات ہے تو انگریزی میں کچھ تھوڑی سی باتیں کر لیں پھر بس دور دور سے ہی انگریز ٹھیک ہے ہم اصل میں کیا ہو آپ لوگ مطلب سمجھتے ہو کہ ہم انگریز ہیں تھوڑا گورا ہمارا ٹچ ہے یعنی نو نو مائک آپ کے پاس ہے بولو مسلمان ہے بس یہ بول سکتے ہیں مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ویری گڈ آپ کیا فیل کرتی ہو مسلمان اللہ اتنا شرما کے کاپی کر رہی ہے نہیں میں اپنے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم تھوڑا سا بلیو کرتے ہیں تھوڑا سا ہمارا جھکاؤ ہے لگاؤ ہے تھوڑا سا ہم ہیں اس طرح کے جیسے کہ لندن میں کوئی اس وقت خاتون ہوگی ہم بھی اسی طرح کے احساس ہوتا ہے اتنے خوبصورت لانگ شوز پہنے ہوئے ہیں اتنی اچھی جیکٹس پہنی ہوئی ہیں پھر بھی نہیں فیل ہوتا پھر بھی نہیں ریلیٹ کرتے آپ ہاں نہیں کرتے مطلب پہن ہم جو کچھ مرضی لیں اندر سے وی آر پراؤڈ پاکستان اندر سے ہم وہی ہیں جو کہ ہماری روٹس ہیں جو کہ ہمارا کلچر ہے جو کہ ہم روایت ہمارے دکھاوے پہ نہ جاؤ ہمارے ظاہری بناوٹ پہ نہ جاؤ اندر سے دیکھو کہ ہم کون ہیں دل سے دیکھتا ہے کوئی دل کوئی دیکھتا ہے کہ دل کیسا ہے آج کل کوئی نہیں دیکھتا کبھی بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا یہ ہے بھی ہمارا وہ ہے کہ آج کل کوئی نہیں دیکھتا زندگی میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا اس لیے تو دل کا جو معاملہ ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کسی کا دل جو ہے وہ کیا ہے کیسے فیس ویلیو سے لوگ سمجھتے ہیں ہے نا میں آپ کی ملاقات کر رہا ہوں اپنے آج کے ہمارے جو بینڈ ہے یہاں پہ میں ایک لفظ میں صرف کہہ کے گزر جاتی ہوں کاوش بینڈ یہ سب کی کاوشیں اور ان کی کانٹریبیوشن بہت زیادہ ہے اور میرے ساتھ مجھے تو ویسے بیس گٹار کی بورڈ میں ہے سلمان آپ سلمان ہیں آپ سے تو میری ملاقات بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے ہاں آپ بہت سارے فیمس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا اتفاق ہوا ہے کن کن سنگرز کے ساتھ پرفارم کرنے کا نارملی جو بھی اسٹیج پہ گا رہے ہیں پاپولر سنگرز سب کے ساتھ جی ہاں سیشن پلیئرز ہیں سارے ٹھیک ہے تو آئی پلے ود حدیقہ کیانی جواد احمد فریہ پرویز اینڈ مینی مور بالکل صحیح اور جناب آپ کی بورڈ پر ہیں جی اور کمال کرتے ہیں کی بورڈ پہ زبردست اور یہ تو میرا بڑا فیوریٹ انسٹرومنٹ ہے اور میں نے بہت کم لوگوں کو یہاں پر بجاتے دیکھا ہے سیکسوفون میرے گھر میں بھی ایک سیکسوفون پڑا ہوا ہے سائیڈ میں کونے میں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے مائی نیم از تکی تکی سیکسوفونسٹ اور ٹوٹا پھوٹا میں بجا لیتا ہوں اور بہت اچھا بجاتے ہیں اور تھینک یو ویری مچ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ سیکسوفون اتنا ویسٹرن انسٹرومنٹ ہے ہمارے یہاں اتنا نہیں یوز ہوتا یہاں پہ ایکچولی پرفیکٹلی تو کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں پہ وہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کوئی سکھانے والا سسٹم نہیں ہے تھوڑا سا سیکسوفون پہ ایک دھن میں جا کے ہمیں سنا دی سیکسوفون کی آواز ہی تو یہ میرا خوبصورت سا بینڈ یہ ایک ٹیم ہے جو کہ آج آپ سے روزانہ مل رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کچن کاؤنٹر بھی ہے یہاں پہ اور بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے سب لوگ اپنے اپنے دن اپنے اپنے ٹائم پر آپ سے ملیں گے سو میں پھر ایک بریک لیتی ہوں اور بریک کے بعد میں بلاؤں گی اپنے آج کے مہمانوں کو اور جب ہم مہمانوں سے ملیں گے تو پھر ہم ان سے گپ شپ کریں گے اور ان کی باتیں جو ہیں وہ جانیں گے اچھا زندگی میں بہت سارا ٹائم ایسا آتا ہے جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم گزار رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ یار کب آئے گا وہ دن جسے کہتے ہیں نیا دن کب آئے گی وہ تبدیلی جس کا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اور یہ وہ تبدیلی جو ہے وہ زندگی میں انسان کے آ ہی جاتی ہے جب وہ اس کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے مہمان سے ملاقات جو ہے وہ ضروری ہے میں آپ کی مہمان سے ملاقات کراتی ہوں ان کے بارے میں وہ تھا ادھر آ جاؤ میرے پاس ادھر آؤ میرے پاس ہاں آپ ابھی ان کی نظر پڑ گئی اپنے فیورٹ اسٹار پہ کیا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی میں صدقے جاؤں کہ اتنا پیار ایسے
सो उनका गाना जो है वो आए तो इस क्लेम के साथ से सानू तेरे नाल प्यार हो गया, लेकिन मेरे बहुत सारे लोगों को उनसे प्यार हो गया और वो प्यार का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। बहुत सारे खूबसूरत उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो आपने देखी है। बुलाइए, किसको बुलाने जा रहे हैं हम? मिकाल, जुल्फिकार, अब कुछ बातें करो। वो दूर दूर से जो देख रही थी और घबरा रही, सामने आओ। क्या सामने आओ, अब करो कुछ बातें, पूछो उनसे कैसे हैं आप। कैसे हैं आप? I'm fine, आप कैसे हैं? I'm fine too. कुछ Hello, और John, क्या हाल है? ठीक है, कहो ना जो कहना है। कुछ नहीं कहना। ये इतनी बड़ी फैन है आपकी। अच्छा। हाँ, कि इसके जस्टिस है उस वक्त मैंने आपका दियारे दिल देखा था। okay. तो वहाँ पे जो आपकी एक्टिंग थी, थैंक यू, दैट वॉज सुपर। तो तब से मैं आपकी फैन हूँ। तब से? हाँ, तब से ज्यादा। काम तो मैं बड़ी देर से कर रहा हूँ। तब से बहुत ज्यादा। अच्छा, तब से बहुत ज्यादा। तो जुमला इस तरह में बोला जा सकता है, तब से मैंने भी आपको दिल दे दिया। एक्चुअली यारे दिल में आपने क्या तबाही मचाई कि मैंने भी आपको दिल दे दिया। एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही, ऐसे ही है ना। चलो थैंक यू सो मच, हैव सी। कैसे हैं मिकाल? कैसे हैं फराह? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत सारी तालियां। लेकिन इतना भी नहीं। How's life? Great, great. अच्छा मिकाल, नाम जरा डिफरेंस है। मिकाल, मिकाल अगर हम मिकाइल तो सुना हुआ है। अच्छा, मिकाल इज काइंड ऑफ अ डेरिवेशन फ्रॉम मिकाइल। अच्छा। और माय मदर इज इंग्लिश, तो उनको माइकल नाम बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, सही। और तो उन्होंने जब उसका इस्लामी वर्जन निकाला तो मिकाइल आई गेस वाज एन ऑप्शन, और फिर मिकाल। सो यहाँ से मिकाल हो गया। तो यहाँ से मिकाल हो गया। अच्छा, वेरी गुड। सो वी कैन सी कि आपकी गुड लुक्स हैं वो कहाँ से? वेल आई गेस अब्बा इसको माइंड नहीं करते क्या? नहीं, अब्बा भी बड़े हैंडसम है माशाल्लाह। When I used to be in school, though, all the teachers were always asking about my dad. Very good. And how about male teachers? वो नहीं पूछते थे आपकी अम्मा नहीं है यार? अरे देखो, हम कितने आसानी से मेंशन कर देते हैं इस चीज को कि मतलब अब्बा को टीचर्स पूछते थे अम्मा के बारे में। We all feel कि नहीं यार हमारी। देखिए, we're still a sexist society, whether we like it or not. Very true, very true. Sorry to say. हाँ, बिल्कुल ऐसे। और इस हकीकत को मानना चाहिए कि हाँ, हम ऐसे मतलब हम फील करते हैं इन चीजों को। आपको शॉविनिस्ट मेल एक जरा, यार आई थिंक सोसाइटी का असर होता है, यू नो। सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हाँ, मैं हूँ थोड़ा सा, एज मच एज आई लाइक नॉट टू बी मे बी, लेकिन आई थिंक यू नो कुछ चीजें इनबिल्ट हो जाती हैं। लेकिन आप तो इतने बेजरर, इतने मासूम, इतने मजलूम किस्म के लगता हूँ बस। I think so. I don't know. हम सोच भी नहीं सकते कि इस चेहरे पे जब वो तासरात आते होंगे। नहीं नहीं, मैं कोई जालिम नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जालिम नहीं हूँ बिल्कुल भी। I am very you know soft at heart, I think. और you know मेरा दिल आ जाता है चीजों पे, as in you know I feel for things. You know मुझे कदर भी होता है, एहसास भी होता है, you know all of those feelings. So you know that's all there. बिल्कुल सही। बट जैसे मैंने कहा, आई थिंक सोसाइटी का असर थोड़ा बहुत होता है। अब वो अम्मा वाली सोसाइटी का असर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैं उधर रहा नहीं ज्यादा, बिकॉज मैं रहा इधर पाकिस्तान में, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ की यू नो चीजों का ज्यादा असर हुआ। हाँ। ज्यादा असर हुआ। बिल्कुल सही। अगर मैं वहाँ रहता तो मैं आई वुड बी अ डिफरेंट पर्सन। आई वुड बी। बिल्कुल सही। अरे हम कंटिन्यू करेंगे मिकाल, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, फिर मिलेंगे। खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम मिल रहे हैं वेरी हैंडसम मिकाल जुल्फकार से। मेरे अंदर और भी खूबियां हैं वैसे। अच्छा, वो आपने हमें आज गिनवानी है पूरी करके। क्या क्या और खूबियां? क्या क्या और खूबियां? Well, I guess आप समझो कि रिश्ता लेने के लिए आई हुई हूँ मैं। और लड़के की खूबियां गिनवाई थी, वो भी तो नहीं होती। बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ मैं, बड़ा मेहनती लड़का और है। बहुत सारा ऑनेस्ट भी हूँ। अच्छा, ईमानदार है। हाँ, हाँ। किसके साथ? हर चीज के साथ, हर चीज के साथ, हर रिश्ते के साथ। अगर किस किस के साथ? वो भी कोशिश है कि हर किसी के साथ। अच्छा, गुड, सही। और क्या क्वालिटीज हैं? आई एम वेरी लविंग, आई एम वेरी केयरिंग। अच्छा, और इसको जरा उर्दू में कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि हमारा लड़का जो है बड़ा
प्यार करने वाला है, बहुत प्यार करने वाला है। आज तक किसी माँ बाप ने ये नहीं कहा होगा कि हमारा लड़का बड़ा प्यार करता है, तो ये कह सकते हैं कि प्यार कर सकता है, अच्छा। काबिल है प्यार करने के। और आई लाइक यू नो आई थिंक आई एम वेरी केयरिंग पर्सन। रियली? या आई थिंक सो। मतलब आप उन लोगों में से हैं जो आशिक बनना पसंद करते हैं या माशूक? ये दोनों मुख्तलिफ सिफात है ना। एक कहता है यार मेरे पीछे नहीं, मैं आशिक हूँ डेफिनेटली। और मुझे इश्क अपने काम से भी है, अपने रिश्तों से भी है, और you know in a way I'm enjoying life as well. Great. Now who's the lucky person? भाभी हमारी माशाल्लाह बहुत लकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो इश्क अब भी रिवायती मर्दों की तरह जो कहते हैं शादी तो बंदा कर लेता है, इश्क दरअसल कोई और चीज है। नहीं नहीं, I had a love marriage and I fell in love with her. And I think पता नहीं for me मतलब I guess because of my upbringing or मेरा mixed culture, I think मैं उस तरह पाकिस्तानी रवायती चीजों में इतना नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा शुरू में जो इंटरेस्टिंग एक बात थी कि सोसाइटी का थोड़ा असर हो जाता है यू नो, और कुछ करना भी पड़ता देखा है, देखी भी करना पड़ता है। हाँ, कुछ करना भी पड़ता है यू नो, सम थिंग्स यू जस्ट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू पुट अप अ शो। तो बट अदर देन दैट आई थिंक आई एम प्रोबेबली क्वाइट अ डिफरेंट पर्सन। अच्छा अच्छा, तो प्यार का इजहार करने में कोई मुश्किल कोई दिक्कत हुई थी? बाज़ुकात लोगों को ये भी लगता है, आई थिंक इनिशियली होती है, शुरू शुरू में होती है। क्या समझती है खुद को, मैं क्यों इसके सामने इस तरह से? नहीं नहीं, मुझे वो नहीं होता कभी, नहीं होता, नहीं होता। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इनटू दैट यू नो, और यू नो फेम जनरली एक बड़ी मुश्किल चीज होती है संभालना। सो यू नो कभी कभार इंसान कॉट अप हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं यू नो ज्यादा उधर ना जाऊं। माफी मांगने में भी मतलब जल्दी करते हैं, उसमें भी अना आड़े आती है कि कभी डिपेंड्स कभी आ भी जाती है कभी नहीं भी, बट आई फील जो यू नो इफ यू से सॉरी यू आर अ बिगर मैन यू नो नॉट के कैसे सॉरी करते हैं। जैसे कुछ लोग से मुझे सॉरी ना कह तो दिया, सॉरी भाई सॉरी कह तो दिया था, कितनी दफा और सॉरी कहूं? सॉरी कह के थक गया हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। एक ये तरीका होता है, एक होता है कि आप वाकई कहते हैं यार हाँ देखो मैं आई थिंक रियली सॉरी। वो आई थिंक एक इंटरनल फीलिंग होती है कि या तो वाकई आपको अपनी गलती का एहसास होता है या फिर नहीं होता, या फिर आपने आप समझते हैं कि आपने गलती नहीं की यू नो, सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर आपको वाकई एहसास हो जाए तो फिर आई गेस हाँ वो सॉरी कुछ और होता है, और उसमें बंदा जो है जो गलती हुई हो या जो चीज यू नो गलत हुई हो व्हाटएवर उसको फिर ठीक करने की कोशिश करता है। अरे मैंने सुना आजकल बड़े मसरूफ हैं आप। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं काफी देर से काफी सालों से बहुत मसरूफ हूँ। गुड। क्या क्या कुछ चल रहा है और क्या क्या कुछ आने वाला है और हम देख सकते हैं? वर्क वाइज यू नो दीज लास्ट फ्यू इयर्स तो बहुत ज्यादा टेलीविजन के ऊपर, सीरियल्स पे, और जो कुछ लोगों ने मेंशन भी किए और उसमें मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट्स भी हैं वो चलता रहा। कमर्शियल वर्क काफी चलता रहा, you know I got married, I have kids, you know, so that's a part of bada happening sa zindagi ka pichla phase. Bilkul bilkul, recently maine apni production shuru ki, so that I also did as well, and itni sari nayi cheeze ikatthi sara kuch eventually na. Bilkul bilkul, and you know I think I've meri hamesha koshish rahi hai ki mere cap mein feathers add hote rahe, तो उसकी मेरी चीजें बहुत सारी चीजें मैंने अभी और करनी है। आपको हमारा इंतजार बड़ा लंबा हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा मिकाल, वक्त कितना बदल गया है। आई एम श्योर कि आप उस एज से वाकिफ होंगे जब एक टेलीविजन हुआ करता था और उसकी नशरियाती जब तातुल आ जाता था तो लिखा आता था इंतजार फरमाइए, याद आपको? याद आपको इंतजार फरमाइए। अब वक्त कितना बदल गया। अब बल्कि इंतजार नहीं करते लोग, अब इंतजार किसी चीज के लिए भी नहीं होता, द वर्ल्ड इज एन एक्सट्रीमली फास्ट पेस्ड, लेकिन फिर भी हम करते हैं। करते भी हैं, ऑब्वियसली जिस चीज के लिए करना हो उसके लिए इंतजार, अच्छी चीज के लिए इंतजार किया जाता है। बिल्कुल। बिकॉज यू नो इन दिस एज वी हैव यू नो सो मच टू चूज फ्रॉम, बट डेफिनेटली उसमें जो जो अच्छी चीजें होती हैं वो नुमाया भी होती हैं। बिल्कुल सही। यू नो और जब आप मेहनत करते हैं, जब किसी चीज को दिल से या उस पर्पज के साथ करें कि यार आई वॉन्ट टू मेक अ मास्टरपीस, तो वो कुछ और चीज होती है। और जब आप इस नियत से जाएं कि यार यू नो बस मैंने जल्दी से घंटा है मेरे पास, मैं ये पेंटिंग कर लेता हूँ, और एक बंदा सोचता है कि यार मैं एक महीना लगाऊंगा और मैंने ये मास्टर, या पता नहीं कितनी देर लगेगी, यू नो सो ऑब्वियसली उस चीज में। ये माशाल्लाह लकी इन मेनी वेज ना, लेकिन जैसे अभी मैं वो बात कर रही थी वक्त के बदलने की,
ایک ٹائم تھا جب ایک نوجوان سا لڑکا آپ کی پہلی آپ کی ویڈیو یو سو ینگ اس میں اور مطلب اور ایک لمبی سٹرگل کا ٹائم ہے اس سے پہلے تک جس میں آپ کوشش کر رہے تھے کہ میں ماڈلنگ میں یا میں چیزوں میں تو وہی تھا ایکچولی دیٹس ویئر اٹ کائنڈ آف سٹارٹڈ فرام یو نو آئی مین یو نو ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ از کوائٹ بائی چانس میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ماڈل یا ایکٹر بنوں گا مجھے سنگنگ کا ہمیشہ سے ایک شوق تھا لیکن میں نے کبھی پرسیو نہیں کیا اس کو اور شاید کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے سنگر آئی گیس یو نو آج کل یو نو الاٹ آف کڈز یو نو مے بی سم پیپل آؤٹ ہیئر ایون ان یور آڈینس ہی بیٹھے ہوں گے اینڈ دے مے بی وانٹ ٹو بی این ایکٹر یا یہاں اگر نہیں ہے بٹ دیر آر الاٹ آف ینگ پیپل ہو تھنک کہ یار اب میں نے ایکٹر بننا ہے آئی مین دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو آئی تھنک وین آئی واز اسٹارٹنگ بیکاز اتنا میڈیا وازنٹ دیٹ بگ اتنے چینلز نہیں ہوتے تھے کام اس طرح نہیں ہوتا تھا تو آپ سوچتے نہیں تھے یو نو ناؤ اٹس اے وائبل تھنگ ٹو ڈو یو اٹ کین بی یور جاب یو نو تب نہیں ہوتا تھا تو اسٹرگل تھی ایک ڈیفینیٹلی تھی ہاں بالکل تھی آئی تھنک انیشلی وہی جو دن تھے وہ اسٹرگل پیریڈ ہی تھی بیکاز انڈسٹری گرو کر رہی تھی لیکن آئی واز ویری لکی ایٹ دا سیم ٹائم کہ میں ایک ایسے ٹائم پہ آیا جب انڈسٹری نیچرلی گرو کر رہی تھی تو کام بھی گرو کر رہا تھا اور اس فیز میں جتنے سارے لوگ آئے سب نے آئی سپوز یو آر پروبیبلی ناٹ فار آف فرام دیٹ ٹائم ایز ویل آپ نے بھی ویل اٹ ڈیپینڈز کہ ہاؤ یو ٹیک اٹ آئی ول بی فلیٹرڈ اف یو کنسیڈر سو ویل آئی ڈونٹ نو آئی کہنے کا مقصد کہ دیٹس یو نو دیٹس دی ٹائم ویئر میڈیا ریلی کائنڈ آف ٹک ا بوم یو نو ارلی 2000s میں جب بہت سارے چینلز آئے تو دیٹس ویئر اٹ ریلی ٹک ا بوم مجھے پتہ چلا اس سے بھی بڑا پیار آپ کا بالکل ہے بالکل ہے اور جیسے آپ دل کے تار چھڑتے ہیں اس کے تار بھی بڑے پیار سے میں بہت کوئی زبردست گٹارسٹ نہیں بٹ آئی انجوائے سنگنگ You know, singing for me is a release. Break ke baad, get ready. Hum apne band se bhi kahenge jahan aapko lage inki sangat karna wahan pe. Aur hum ek khoobsurat sa song jo Mikaal se sunne ja rahe hain. So we will. Aur break ke baad fir aapse milaate hain. خوش آمدید اور صبح بخیر آج ہم مل رہے ہیں میکال ذوالفقار سے میکال ذرا بڑے سٹار ہیں ہمارے نہیں نہیں یار تھوڑے نخرے وخرے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں گلا خراب ہے تھوڑا سا گٹار یار اصل میں میں سنگر نہیں ہوں مجھے زبردستی جو یہ لوگ جو نا گوا رہے ہیں اس کی ایکسکیوز می آپ سنگر ہیں ہاں اندر 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 باتھ روم سنگر ہوں میں کبھی ہو سکتا ہے ہمیں آپ کا مطلب کوئی البم بھی دیکھنے کو مل جائے نہیں میری خواہش تو بڑی ہے ٹو بی آنےسٹ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا میرا آئی نیور پرسیوڈ اٹ لیکن یو نو میوزک واز سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹڈ ٹو ڈو کسی کے لیے گانا گایا کبھی میکال میں نے ایکچولی ایک دو چیزیں کی ہوئی ہیں یو نو پیپل لوگوں کو پتا نہیں ہوگا ایک آدھا میں نے سنگل بھی بنایا تھا کچھ خاص اس کو ریلیز نہیں کیا ایز آئی سیڈ کہ میں کبھی اس کو صحیح طرح پرسیو نہیں ٹائم نہیں دے سکا اس چیز کو لیکن کسی کے لیے گانا ہاں ہاں کسی کے لیے بہت سارے گائے میں who's the lucky one Well, there were many? I think in my youthful days there were a few but I like singing to people ho na ghar pe get together ho raha ho 15 20 logo and just you know jamming with a guitar aur sab sun rahe I really enjoy that sahi acha kis tarah ka bachpan tha Mikaal ka you aap ek shy sanjeeda kamgo I was very shy I used to be quite shy lekin I was a very adventurous kid and I was really into sports a lot bahut sari sports khelna aur yani logon ke samne aap zara sharmile the yeah I used to be shy people aap pure the waise ha bilkul aisa hi hai sahi main to in myself ha wahi wali baat na ki within myself you know I think you know I'm a world in my own you know to جب وہ ورلڈز کلائیڈ کرتے ہیں تو میں شاید تھوڑا سا وہ شاید ارے ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کے پوٹینشل کا ہاں میں بالکل ایسا ہوں ہوتے ہیں نا جو خاموش والوں میں سے ہوں جو سنتا ہے سب کی بات صرف صحیح صحیح اور اپنے اندر ہی جو ہے نا میں سوچتا رہتا ہوں اچھا لکی کہ آپ کی والدہ برٹش تھیں تو آپ کو وہ بچپن میں میرے خیال اٹھا ادھر بیٹھ جاؤ نہیں امی چکر کے جانا نہیں امی سخت تھیں تھوڑی سی اور اتنی نہیں تھیں وہ مارنے مننے والی نہیں تھیں اور ابو بھی نہیں تھے مجھے اپنی اردو ٹیچر سے صرف مار پڑتی تھی اور کسی سے نہیں گھر میں کوئی ڈانٹ ٹپٹ سختی جب آپ نوجوان ہوئے پہلا پتا چلا ہمارا بیٹا جوان ہو گیا پہلی شکایت آئی ہو یا پہلی دفعہ پتا چلا میرا ٹین ایج جو پیریڈ تھا نا 12-13-14 وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا اس میں میں تھوڑا سا اگریسو سا تھا but other than that I think I was a pretty good kid ارے پہلا جو کرش تھا وہ گھر والوں کو پتا چلا تھا کہ نہیں وہ خاموشی سے ہوا اور خاموشی سے ختم ہو گیا پہلا کرش خاموش انسان ہے نا
हाँ उस मामले में मैं कोई इतना खामोश नहीं, घर वालों के साथ उतना खामोश नहीं हूँ. अच्छा. हाँ, I'm quite open and you know with my parents and my brothers and sisters we have a really you know very open and friendly relationship. तो उसमें कभी ये चीज नहीं रही कि बातें छुपाए या you know कुछ इस तरह. या और कभी मेरे parents ने भी वो डर नहीं दिया कि you know उस तरह strict नहीं थे कि तुमने इस तरह raise होना है या ये नहीं करना या वो नहीं करना. I mean कुछ चीजों पे obviously था लेकिन बहुत सारी चीजों पे they were very relaxed. बिल्कुल सही. अच्छा हम continue करेंगे लेकिन अपनी खूबसूरत से एक और मेहमान को बुलाते हैं. मेरा ख्याल अभी उनके लिए जरूर गा देंगे. मेरे इसरार पे तो नहीं गा रहे लेकिन मान चुके दोनों साथ साथ हैं उसमें और महा कहेंगी तो फिर मिकाल जरूर गाएंगे. बहुत खूबसूरत सा फेस और बहुत कमाल किस्म की उनकी एक्टिंग. आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे वो एक सरमाया होंगी इस इंडस्ट्री के लिए. प्लीज वेलकम पूरे जोर के साथ मेरे साथ आवाज लगानी है पता चले उन्हें वहां पे कि मैंने आना है. अब महा वारसी. Good, how are you? Gorgeous. Thank you. सुना है तुसी कनाडा तो आए हो? हाँ, from Toronto, but born in Saudi Arabia. अच्छा, born in Saudi Arabia. Born in. A lot of people don't know that, but I was born in Saudi Arabia and then I was raised in Toronto. अच्छा. हाँ जी. तो कैसा लगता है मतलब Toronto से पाकिस्तान? Beginning में थोड़ा मुश्किल था, अब काफी used to हो गई हूँ. बहुत ही सूटकेस किस्म की वो लाइफ हो गई है कि अब टोरंटो में अभी मिकाल को भी बता रही थी आई वेंट फॉर 20 डेज एंड देन पाकिस्तान फॉर 3-4 मंथ्स एंड देन बैक टू टोरंटो. सूटकेस लाइफ का भी एक अपना मजा है. मैंने सारी जिंदगी बड़ी सेटल्ड लाइफ गुजारी है बड़ा सेटल्ड. अब मेरी भी बड़ी सूटकेस लाइफ है. कई चीजें थोड़ी देर की होती है क्योंकि मैंने बहुत देर सूटकेस लाइफ गुजारी है. अच्छा? लाइक 10 साल और उसके बाद मैं बिल्कुल वो हो गया कि नहीं यार अब मुझे एक जगह पे रहना. अच्छा फिक्स हो गया स्टेबिलिटी. लेकिन वो शायद कुछ देर के लिए अच्छी होती है. कुछ देर के लिए जब आप होटल में जाते हो ना और आपने 2 महीने के लिए ठहरना है तो पहले 10 दिन बड़े मजे में हो वाह रूम सर्विस फोन किया ये किया वो किया और फिर 10 दिनों के बाद ना आपको एक छोटा सा कमरा लगने लग जाता है एंड यू लाइक यार घर किधर है मतलब लाउंज हो कोई साथ या जो भी है यू नो तो फैमिली भी नहीं होती ना व्हिच इज लाइक जब मैं कराची में होती हूँ आई एम लिविंग इन अ गेस्ट हाउस सो ही इज एग्जैक्टली राइट शुरू में आई वाज लाइक या यू नो मैं अकेली हूँ एंड दिस इज गुड इंडिपेंडेंट अगर अगर और कमरा भी है माँ बाप नहीं है साथ या कोई और नहीं है आप अपनी जोन में हो बहुत लेकिन बाद में आपके लिए बहुत हो जाता है. इनफैक्ट मैं तो जब सेट पर होती हूँ जब पैकअप लोग कहते हैं यस पैकअप जल्दी हो गया आई'ड बी लाइक नहीं थोड़ा टाइम और इधर गुजार लेते हैं और क्योंकि मैंने तो एक छोटे से डब्बे में जाना है मैंने जाके क्या करना है पे. सो इट्स अ लिटिल टफ बट बिल्कुल. अच्छा तो हो आप उस तरह की जो कहते हैं इंडिपेंडेंस की शौकीन खवातीन कहती है कि हमारी मर्जी हमारी जिंदगी हमारी मर्जी या फिर दिल चाहता है यार कोई हो कोई रोके कोई टोके कोई अपना नहीं ख्याल आजकल अब ऐसी खवातीन एग्जिस्ट करती हैं ये आपकी गलत फहमी है. नहीं मैं मुझे नहीं ये मिकाल ठीक कह रहे हैं क्या? नो तो फिर किस किस देखे आधे चेहरों ने हाँ की और उन्हीं की वो होनी है. यस कह रही है जरा उनसे तो पहले बात करिए माइक दीजिएगा यस यस पार्टी को माइक पास ऑन कीजिएगा. हाँ नहीं कोई पूछने वाला ना हो ज्यादा रोक. हाँ तो वो फिर गाना आपको अच्छा लगता चल चलिए दुनिया देव स्नूकर जिथे बंदा ना बंदे नहीं तो फिर भी किसी दिन नाल चलना है ना वो तो कह रहे ना क्यों नाल ना चले अकेले 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 मैं बिल्कुल ही तनहा. हाँ नहीं ना तो होना चाहिए एक रोड ट्रिप अपने लिए भी. एक रोड ट्रिप अपने लिए हो ना डिजर्व करता इंसान लाइफ के पूरी रोड आपने अकेले गुजारनी हो तो अंदाजा करो कि आप सोचे कि नो एंड और आप चलते कितना एडवेंचरस होगा ना. अल्लाह ना करे कि तुम्हें ये एडवेंचर जो है ना ये करना ये रा पिया जाने या वा पिया जाने है ना. अच्छा कुछ तो चीजें वक्त के साथ ही समझ आती है उसके लिए आपके बालों में कुछ सफेद बाल होने बड़ी जरूरी है जो फिर आप बाद में छुपाते फिरते लेकिन छुपाए नहीं छुपते सफेद बाल अगर बालों में नहीं नजर आएंगे तो बातों में नजर आ ही जाएंगे. हाँ, ये वैसे राइट पता चल जाएगा बिल्कुल सही का क्या आप क्या बात है उम्र ने धक्के लगाए तालियां इस बात पे. अच्छा महा जी आप मुझे शर्मीली सी और कमगो सी लग रही है जबकि अमूमन वेस्टर्न ममालिक से खासतौर पे जो खवातीन आती हैं उनके बारे में सोच रहा था बड़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होंगी. अच्छा हाँ नहीं आई डोंट थिंक आई एम शाय आई जस्ट आई टेक टाइम टू ओपन अप. ठीक है मैं हमारे प्रोग्राम का टाइम से 2 घंटे उससे पहले पहले ही ओपन हूँ. अच्छा महा मतलब ये सोचा था कि मैंने शोबिज करियर में अपना नाम मकान बनाना है मैंने सेलिब्रिटी बनना है स्टार बनना है? डेफिनेटली आई थिंक बहुत व्हेन आई वाज यंगर तो एक थी चीज दिल में कि हाँ आई वांट टू बी एन एक्टर लेकिन मैं कभी किसी को कहती नहीं थी
कि आप इमेजिन करें कोई आपसे पूछे हाँ जी आपने बड़े होकर क्या बनना है, जी मैं एक्टर बनूंगी, यू नो, सो आई वुड नेवर से टू एनीवन एंड आई थिंक इट्स वेरी लकी कि बस एकदम से हो गया. अच्छा, कैसे हुआ? आई वॉज इन यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज इन बेड टोरंटो में. हाँ, अब मैं बैचलर्स अपना टोटली डिफरेंट चीज में कर रही हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैंने किया. ठीक है. तो माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक यार देयर इज एन ऑडिशन एंड तुम आ जाओ. And I was like, are you serious? And I still remember, I went in my PJs to that audition because okay. I was sure that I wouldn't get it, but try it. And it was for Mangoes. I don't know if you've heard of it, but it was an independent production. So, I got the main lead. Mil gaya. And then from there, Allah ka shukar, I got called to Pakistan. You were lucky to keep your PJs. Yes, I still have them. They're like hot shit PJs. I know. But yeah, I got really lucky with it. And then I had great support from my parents as well. Koi raaste mein rukawat nahi aayi. I think there's a little sign in your story. Or, you know, jab aap kisi cheez ki khwahish karte hain, you know, aur agar usko bahut zyada chahe na, to wo kisi na kisi tarah aapko Allah de deta hai. Aur saath ye bhi keh raha hota hai, beware of what you wish for. Bilkul ek badi jo mazey ki baat hai na, absolutely, it's such a, you know, बड़ों की बातें आप सुनते हैं, यू नो, व्हेन यू आर इन योर यूथ यू आर जस्ट लाइक नहीं 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 मुझे सब पता है, यू नो, बट ये जो बात है ना कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर बिकॉज यू जस्ट माइट गेट इट. कि आप दुआ तो करते हो उस चीज के लिए, फिर जब आपको मिलती है कभी कभार यू डोंट नो, यू नो, समटाइम्स जो आपकी चीज आपको चाहिए होती है मे बी यू डोंट नीड इट. और उसको मिलने के, उस फूल को मिलने के बाद पता चलता है इसमें कांटे कितने हैं. But you know everything has its pros and cons. या फिर उस फूल का ख्याल रखना है या जो भी करना है, उस बहुत सारी चीजें related हैं, सिर्फ वो फूल नहीं है. बिल्कुल. Like when I get really sick of acting या मैं कोई यार मतलब this is really bad, मैं उसके pros सोचती हूँ कि the good side. और अगर मैं acting ना कर रही होती तो मैं क्या कर रही होती. और फिर उसकी मैं bad side सोचती हूँ कि आप कुछ भी करो, चाहे आप ऑफिस में काम करो या हाउस वाइफ हो, उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है और एक नेगेटिव साइड भी होता है. अरे किस तरह के हमारे यहाँ ड्रामास में, तो भले आप कनाडा से आ जाएं या आप कहीं से आ जाएं, आखिर में आपने रोना है, जुल्म सहना है. मैं भी इंग्लैंड से आया तो यही काम करूंगा. जुल्म सहना है. मर्द हमारे जो है ना, वैसे आप लोग जब जाते होंगे बड़े आपकी ईगो सेटिस्फाइड होती होगी. नहीं, नॉट एट ऑल. हम तो एक्चुअली मैं बड़ा डिसएग्री करता हूँ यार. हमारे ड्रामों में ना ज्यादातर मर्द को इतना जालिम दिखाया जाता है. वही ना, तो वही मेल जानबूझ के. मेल ईगो बड़ी सेटिस्फाइड होती होगी जब घर जाते होंगे. सारे घर में बड़े कूल्ड एंड काम लोग होंगे. हाँ, पता नहीं. आई मीन आई थिंक यू नो इट्स काइंड ऑफ अ डबल एज्ड सॉर्ड. आई मीन यू नो ड्रामों में जानबूझ के दिखाया जाता है. यू नो आप सिचुएशंस क्रिएट करते हो. आई मीन आई थिंक थोड़ी सी मर्द जात के साथ थोड़ी सी ये ज्यादती है. मर्दात के साथ ज्यादती नहीं, बिल्कुल. ये हमें कुछ जुमला अजीब सा नहीं लगा. अच्छा, नो किसने कहा है? नो आई थिंक यहाँ फिलहाल फीमेल मेजोरिटी ज्यादा है, तो मैं फिलहाल खामोश हो जाता हूँ. अरे ज्यादती तो मुझे लगता है लफ्ज बना ही खातून के लिए. नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा ड्रामा जो है इट इज सेंटर्ड अराउंड वुमेन वॉचिंग इट, सो यू नो वो चीज क्रिएट की जाती है. पर कितनी बदकिस्मती है, 52% पॉपुलेशन जिस मुल्क की जो है उसे मजलूम और बिल्कुल आप बिलो जैसे कहते हैं ह्यूमन डिग्निटी ट्रीट करें और दिखाते भी उसे यही रहे कि ये बस यही होता है. तो ये गलत चीज है ना. आई मीन थोड़ा सा यू नो हमें थोड़ा सा जरा सोचना चाहिए. आई मीन यू नो मीडिया प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट. वी डोंट अंडरस्टैंड इट. यू नो हम तो इस नजर से काम नहीं करते. फॉर मी इट्स अ जॉब. यू नो आई एम देयर. ठीक है, जो लिखा है मैं पढ़ दूंगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लोग जो देखते हैं ना, समटाइम्स देयर सम पीपल रियली वॉच इट के यार मैं कुछ सीख रहा हूँ इससे, या वो अप्लाई करते हैं वो चीजें. सो हमें थोड़ा सा जरा सोचना चाहिए कि हाँ महा कह दो आप यार इनसे के गाना सुना दें. आपकी खूबसूरत आवाज और इसरार के बाद हो सकता है कि वो He's actually a very good singer. He's yeah. really. And I think he should sing a western song because he sings. इन्होंने सुनाया है आपको? Set पे कितना गाने वाले सुनाते हैं? नहीं, चलते फिरते he's always singing. अच्छा. So why that's where we are right in here. So इस ब्रेक के बाद. बड़ा नोट किया. भले फाइन ट्यून हो. इस ब्रेक के बाद भले गिटार फाइन ट्यून हो या नहीं हो, जब हम वापस आएंगे ये बहाने बहुत मारेंगे. नहीं आप कहे ना, मैं इसको टालता रहूं. इंतजार रहेगा. देखिए इंतजार ये हमेशा लंबा कर देते हैं. हमारा इंतजार भी लंबा करवाती है. अच्छा, लेकिन अब हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जब आएंगे तो मिकाल विल बी सिंगिंग इंशाल्लाह. सो ब्रेक के बाद. और सुबह बखैर. फाइनली मिकाल, जुल्फिकार जनाब,
ये बिल्कुल जबरदस्ती का है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, so what I'm gonna do is I'm not gonna just play one song. ठीक. एक वैसे ही कुछ chords हैं और उसपे दो चार कुछ हाँ गाने हैं. एक छोटा सा mashup है. जनाब. Alright. We can clap maybe. This was very impromptu but nice. You know, it's music is a release, I think. और उसका दिल से दिल तक हमेशा रابطہ होता है, कनेक्शन होता है. सो बहुत सारे फिदाई ने भाई, हर बंदा बड़ा झूम झूम के गाया था मैं तुझ पे हूँ फिदा. दुनिया आजकल वैसे फिदाइन के बारे में बड़े खतरे में है, तो सारे फिदाइन है. तो बड़ी जबरदस्त. अरे महा, मतलब आपको भी बहुत सारे लोग कह रहे थे आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स, तो कैसा लगता है जब कोई अप्रोच करता है और कहता है ह्यूज फैन? इट फील्स ग्रेट. इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. आपको लगता है कि जो आप सारी मेहनत करते हो और जब 12 आवर्स काम करते हो, दैट्स द रिवॉर्ड. और अभी तक आके किसी ने कहा आई एम ह्यूज फैन, मुझसे शादी कर ले? वो तो आपके फेसबुक मैसेजेस में होता है ना, जो वियर्ड ओ माय गॉड ऐसे ऐसे मैसेजेस होते हैं. बट नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ, थैंक गॉड. एंड थैंक गॉड. हाँ, थैंक गॉड. अच्छा, इट वुड बी वेरी ऑकवर्ड. But yeah, they come up to you and they especially when I was telling my cousin the other day too, okay, I really like it when people go by and they just nod and they say hi. That's very nice too. And then they'll come and tell you the work that they like of yours. But सिर्फ इतना सा कह दे, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? I think बड़े मजे के reactions होते हैं actually. You know, दो तीन किस्म के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो foreign पहचान लेते हैं. You know, for और ऐसे हो जाता है. और एक बंदे जो आपको ऐसे देखते रहते हैं, आपको फॉलो करते हैं. आप देखते रहते हैं कि मैंने कुछ देखा है इस बंदे को कहीं, ये मेरा दोस्त है या ये कौन है. और दो तीन मिनट ना आपको ऐसे देखते रहते हैं, फिर उनको अचानक ख्याल आता है. तो एक और भी होते हैं जो आपको देख के कहते हैं यस 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 यस. बिल्कुल वो भी होते हैं. मुझे एक रिसेंटली एक दो तीन बड़े मजे के थे, मैं आपको सुनाता हूँ. तो एक मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था एंड जस्ट माइंडिंग माय ओन बिजनेस, फ्लाइट का वेट कर रहा था. यूजली एयरपोर्ट में जाता हूँ, एक कोना ढूंढता हूँ, फोन निकाल लिया, व्हाटएवर, जस्ट माइंडिंग माय ओन वेटिंग फॉर द फ्लाइट. तो एक लड़की आई एंड शी कम्स अप टू मी एंड सेड आप एहसन मुराद हैं. तो एहसन मुराद एक मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, एक एक्टर का जो कि बड़ा जालिम किस्म का एक आदमी होता है. तो एवरीवन यूज्ड टू हेट हिम. तो आप एहसन मुराद हैं इस तरह करके? मैंने कहा हाँ. यदि अल्लाह करे आप जहन्नुम में जाएं, कहेगी ना निकल गई. अच्छा, ठीक है. फिर एक दूसरा रिसेंटली हुआ था, हम एबटाबाद में शूट कर रहे थे और एक कमर्शियल कर रहे थे. तो एक पार्क के आसपास हम शूट कर रहे, तो मैं वेट कर रहा शॉट के लिए. तो थोड़ा दूर जो है कैमरा वगैरह सारा लाइटें सब सेटअप हुआ. तो एक बच्चा ना जंगले पे ना ऐसे खड़ा हुआ देख रहा. तो दो मिनट के बाद कहता है कि ये क्या है उधर देख के ना. तो मैंने कहा कैमरा है. तो मैंने कहा कैमरा ना, तो मेरी तरफ उसने देखा. तो ऐसे हो गया, कहता आप तो वक्फे में आते हैं. मैंने कहा ये भी वक्फा ही बन रहा है. तो उसके लिए वो चीज जो है कि आप वक्फे में आते हैं, कि वो जो यू नो इश्तेहारों का वक्फा होता है. तो आई थॉट दैट वाज अ वेरी फनी. क्या मतलब, क्या खूबसूरत बना, आप तो वक्फे में आते हैं. मतलब लोगों ने बड़ा कहा कि आप एड में आते हैं, आप तो नाम ले लेते हैं कंपनी का, या आप तो ड्रामे में आते हैं. ये पहली दफा किसी ने आप तो वक्फे में आते हैं. सही. अच्छा, वैसे ये ऐड करना, मतलब कमर्शियल्स, वक्फों में काम करना और टीवी पे काम करना, एक्टिंग, और फिर आपने तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड का छोड़ा हुआ सिर्फ अभी. लॉलीवुड भी बस दूर नहीं है मुझसे. जब आगे आ रहे हैं आप बहुत जल्द स्क्रीन पर. बहुत जल्द. हाँ, सो मतलब क्या इज रोमांटिक क्रिज्मेटिक हीरो? आई मीन आई एम लकी अगेन. यू नो, मैं काम थोप के हिसाब से करता हूँ हमेशा. अच्छा? एक चीज नहीं करता. सो आई एम वर्किंग ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें रोमांटिक भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, तीनों चीजें हैं. इट्स गुड, लुक फॉरवर्ड टू इट. अच्छा, वहाँ आप लेफ्ट आउट तो नहीं फील कर रही? नहीं नहीं नहीं, अमूमन खवातीन ज्यादा बोल रही होती हैं. तो अब हम खवा दो जो हैं, हम भी बहुत बोल रहे हैं. अच्छा, आप खामोश कमगो रहती हैं ज्यादा, या बातूनी है ज्यादा, गुफ्तगु में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं? बोलती हूँ, काफी बोलती हूँ, लाइक आई सेड टाइम लेती हूँ.
वैसे हाँ माई फादर टेल्स मी कि हाँ तुम बहुत बोलती हो स्ट्रेट अप. इन फैक्ट व्हेन वो मुझे हाई स्कूल से पिक करते थे तो एक दफा मैं जब बैठती थी गाड़ी में तो आई टेल हिम एवरीथिंग क्या छाजे हुआ आज हुआ. एंड अक्सर व्हेन आई गेट वेरी कंफर्टेबल देयर इज नो फ्लो टू माई कॉन्वर्सेशन वो फिर एक यहाँ से बात होती है एक यहाँ से बात होती है बस सब कुछ बता देना है. तो एक दफा मैं बैठी ना लाइक हाँ अबू ये हुआ ये हुआ. एंड आई लुक्ड एट हिम एंड ही हैड कॉटन in his ears. Na? He thought he was being funny and I looked at him I'm like, ye kya? So he always tells me, I talk to him. Baba's girl? Yeah. Definitely, yeah. Yeah, definitely. तो फिर यहाँ पे बाबा साथ होते हैं कि यहाँ पे नहीं अब्बू टोरंटो में होते हैं अम्मी अब्बू दोनों तो मिस करती हैं फिर आप बहुत ज्यादा सही और जिंदगी के जैसे मेजर डिसीजंस हैं शादी है और ये काम करने के फैसले अकेले अपने ओन पे कर लेती है या सोचा है कि मैं करूंगी या फिर नहीं मशावरत होगी या फिर उनकी मर्जी उन्हीं के सवाबदीद पे है कि वो जो भी फैसला करेंगे. इट्स नहीं नहीं ऐसा भी नहीं. इट्स लाइक द वे वी हैव बीन रेज्ड जैसे आप पहले भी बात करी थी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट डजंट रियली मीन के आप बस अपने फैसले खुद से करते हैं. हमेशा आपको एक ओपिनियन चाहिए होता है. तो हमारे पेरेंट्स ने ऐसे रेज किया कि आप अपनी जिंदगी में जो फैसले लेते हैं डिस्कस करें वो हमें प्रोज भी बताते हैं कॉन्स भी बताते हैं एंड देन फाइनल डिसीजन जो होता है वो आपका अपना ही होता है जो आपकी लाइफ का है. तो आपका जिंदगी का जो हीरो है वो कुछ मिकाल जुल्फकार से मिलता जुलता होगा या कोई टॉल डार्क हैंडसम क्या कोई Yeah, I think Mikaal is a chocolate hero. He's like that cute. Mikaal is chocolate hero. I only seen him as a chocolate chocolate hero. चॉकलेट जरा डार्क चॉकलेट टाइप का हम मानते हैं. चॉकलेट हीरो जरा वही मुराद को कह रहे थे डार्क कॉम्प्लेक्शन और तरह का. फॉर मी आई थिंक चॉकलेट हीरो इज मोर ऑफ लाइक द जो बहुत क्यूट हाँ स्वीट से होते हैं. I haven't really thought ke more ke physically haan tall dark and handsome but I think with life and experiences it's more about ke uski personality kaisi honi chahiye. Jaise I've seen my father and the kind of husband he is to main hamesha unko unhone mere liye ek bar set kiya. What kind of husband? Exactly. Understanding, compromising, sunne wala stuff like that. Not so much ke haan matlab uska itna kad ho ye complexion ho ye cheez itni वो प्रायोरिटी नहीं. अल्लाह करे फिर जल्दी शादी हो जाए. जो चीजें आप ढूंढ रही हैं अब्बा के दौर के मॉडल्स में थी जब होनी चाहिए. अब्बा के दौर के मॉडल्स में थी मिकाल जुल्फकार के बाद वाले मॉडल्स में ये चीजें जरा चेंज हो गई. बहुत बहुत ज्यादा. नहीं नहीं आई एम जोकिंग. आज भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग बहुत सारे मौजूद हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपकी जिंदगी के इस सफर की तरफ भी जब भी आप इसका फैसला करेंगे. ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं जरा. ब्रेक के बाद फिर मिले. अब हम हैं किचन में अपने. हमारा किचन हुआ करेगा जिसमें हम आपको रेसिपीज बताया करेंगे और जबरदस्त रेसिपीज बताया करेंगे. आज मिकाल जुल्फकार मेरे साथ है. महा वारसी मेरे साथ है. मिकाल सुना है कि आप बहुत अच्छा बनाते. कमाल कमाल. पता ही नहीं है कि मैं इतना अच्छा शेफ हूँ. मेरे अंदर क्या 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 खूबियाँ छुपी हुई वो तो अभी पता चलेगा जब लोग ये खाएंगे कि मैं कितना अच्छा शेफ हूँ. वहाँ खाएंगी ना आप. पहले आप खाएगा फिर मैं खाऊंगी. दोनों मिलके खाएंगे. बिल्कुल सही. अच्छा लेकिन वाकई बहुत अच्छा बनाते हैं और मुझे तो पता है आप फिटनेस कॉन्शियस भी बड़े हैं. बहुत बहुत. नहीं नहीं ये हो नहीं सकता जितने आप फिट हैं. कोशिश करता हूँ. कैसे कोशिश करता हूँ. कोशिश कैसे होती है. वो कोशिश ये होती है कि जब हो जाता थोड़ा ज्यादा तो मैं खाना खाना छोड़ देता हूँ. दैट्स द बेस्ट डाइट कि आप खाने ना खाओ. बिल्कुल सही. अच्छा जी हम फिश एंड चिप्स बना रहे हैं. मशहूर है जमाना फिश एंड चिप्स जिसे कहते हैं. सो ये आप अपने हाथों से डालेंगे इसमें. ये अगर ऐसे डाला तो हो सकता है पानी भी साथ जाए तो बहुत सारे पटाखे. ठीक है चले. तो फिर हम इसको ना थोड़ा थोड़ा करके. अभी अच्छे शेफ थे. देखो मैं अपने हाथ गंदे करने में बिलीव नहीं करता लेकिन मैं शेफ बहुत अच्छा हूँ. ये सारे काम बस साफ हाथों से करते हैं. ये बस चम्मच चलाते हैं. दैट्स इट. हाथ हमेशा साफ. केयरफुल. आपके भी हाथ. हाँ मेरे भी हाथ जल सकते हैं. नहीं तो इस तरह से हमने इसमें डाल दिए सारे के सारे आलू. मैंने तो कुछ ना किया लेकिन मैं हिला सकता हूँ. अभी आपने फिश तो आपने बनानी है. ओके 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 ठीक है. अरे किस तरह की चीजें मतलब आप खुद खाना पसंद करते हैं. लाहौरी डाइट के Yeah, I used to be actually. I'm a big food lover. अच्छा. So should I get to this now? बिल्कुल. Okay. Sure. Start. By the way, ये मेरी अपनी रेसिपी नहीं है. मुझे बताया गया कि क्या करना है. अच्छा आप अपनी इसको अल्टर कर लें. तो इसको मैं अल्टर कर देता हूँ. अब मैं ये क्रीम के साथ मेयोनेज मिक्स करके और इसके साथ थोड़ा सा चूना मैं अंदर इसके डालने लगा. चूना नहीं नमक है. और ये इतना सारा नमक. सॉरी 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 मैं कम ही डालूं. बिल्कुल थोड़ा ठीक है. हाँ, अभी चम्मच आप रहने दीजिए इसी में. अब आप और इसके साथ थोड़ा सा कार्डबोर्ड जो है मैंने पीस के
काला इसको जस्ट टू मेक इट लुक लाइक ब्लैक पेपर ये है लेकिन कार्डबोर्ड काली मिर्च अभी यहाँ पीछे नीचे जमीन पे पड़ा था इसको मैंने अभी पीस के दिया काली मिर्च और शेफ हमें चम्मच दी जाएगी हमने इन सब चीजों को अच्छा मिक्स और थोड़ा सा ये जो है ये नींबू जो है ये अमेरिका से आया खास तौर पे अच्छा और हाँ ये बड़ा स्पेशल नींबू है इसमें सिर्फ एक दो ड्रॉप्स जो है ना इसके बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं अच्छा और ये मतलब मिकाल आपका मतलब क्या नाश्ता क्या होता अच्छा, है अच्छा अगर हम खाने के हवाले से बात करें जैसे मैंने कहा था कि आई यूज्ड टू रियली आई वाज अ बिग फूड लवर पहले एंड आई एम स्टिल अ फूड लवर लेकिन अब मेरी जो है ना आई हैव टू बी वेरी डाइट कॉन्शियस तो मेरी अब प्रेडोमिनेंटली डाइट जो है ना वो फ्रूट और वेजिटेबल हो गई है सिर्फ हाँ मोस्टली आप खाना खाओ एंजॉय करो लेकिन रात को सोने से पहले जंपिंग जैक्स करो थोड़ा सा वर्कआउट करो कि इट डजंट यू नो शो डेफिनेटली ये आपको कब पाए से और हमारे घर पे बनते हैं मेरे अब्बू इज फ्रॉम एन उर्दू स्पीकिंग फैमिली एंड ही मेक्स एवरीथिंग उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं खिलाया मग से लेके काओ की जबान सुनो अंडे फेंटो क्या बात है यार वेरी ट्रेडिशनल आप शेफ हैं वेरी ट्रेडिशनल अच्छा लेकिन एक और चीज भी बड़ी अनट्रेडिशनल मुझे लगी अब्बा ने बना के खिलाया आज तक माय डैड नहीं माय डैड इज रियली गुड कुक माय मॉम इज द परफेक्ट कुक लड़की बहुत मुश्किल होने वाली है आई नो तुम्हें पाकिस्तान में ऐसा और कोई बंदा नहीं मिलेगा नहीं तो पाए बना के बेगम को खिला रहा हूँ अच्छा अब नाउ इन दिस इसको बैटर में डालना जी हमने नहीं अब हमने बैटर बनाना है और बैटर बैटर के लिए हम ये डालेंगे कॉर्नफ्लावर हाँ कॉर्नफ्लावर और अंडे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर को अंडे में ही डाल लेते हैं इसके अंडे को कॉर्नफ्लावर में डालें ठीक है तो हमने कॉर्नफ्लावर डाला अंडे हमने बीट कर लिया हाँ देखेंगे ना हमने बैटर बनाना है अगर हमें और की जरूरत पड़ी मिकाल ज्यादा का जो है ना कम का हल है ज्यादा का कोई स्लोली स्लोली ऐड किया जाए किसी भी चीज को ज्यादा करने से पहले देख लें मोहब्बत को भी बिल्कुल सही कह रहे हैं क्यों कम नहीं हो सकती वो अगर ज्यादा कम होगी तो ज्यादा बढ़ा सकते हैं हमेशा एक दफा हमने ज्यादा इंटेंसिटी पे ले गए और कॉर्नफ्लावर को वैसे भी मेरे ख्याल से स्लोली स्लोली ही मिक्स करना पड़ता है हाँ, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे मिल्क हाँ okay. मेरा ख्याल है कि तो मुझे लग रहा है कि फरा हरसेल्फ इज अ वेरी गुड हाँ शी इज टेकिंग ओवर है ना मैं क्या करूं मैं रेसिपी तो बनानी है लेकिन आई डू मैं तो कुकिंग तो करनी पड़ती है वो कौन सी वहाँ आप जाती हो किचन में या आई लाइक टू कुक जब बहुत ज्यादा दिल करे तो वंस इन अ व्हाइल कोई नई चीज ट्राई करने के लिए ना नॉट रेगुलर लेकिन इफ आई फाइंड समथिंग वेरी एक्सोटिक आप मुझसे ये काम करवानी ना मेरी बेगम ने देख के ना आप मुझसे घर पे रोज यही करवाना जैसे आप घर पे तो कैसे ही मतलब जैसे जैसे पहले हो रहा है वैसे ही होता है ना बेगम न्यूट्रिशनिस्ट का कितना फायदा होता है निकालने नहीं नो डाउट बल्कि ये सारी जो चीजें हैं फूड वाइज ये मैंने उसी से सीखी हैं तो बैटर हमारा तैयार ओके आई थिंक द फ्राइज आर रेडी चिप्स आर डन एज वेल हां मां ये आप निकाल लें प्लेट में ताकि हमारे पास जो है फ्री हो जाए कढ़ाई और ये आजकल के मौसम में बड़ा जबरदस्त है किस किस से फिश एंड चिप्स खाए हैं ट्राई किए हैं आज ट्राई किसने आपको कहा है कि आप ट्राई करेंगे अरे हमारे लिए बना रही है यार क्या लोगों को खुशफहमी कितनी जल्दी हो जाती है अच्छा जी मिकाल मतलब ये मछली वछली घर में चलती है कि आप ज्यादा मतलब अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो मछली ज्यादा नहीं आई थिंक फिश इज अ वेरी हेल्दी सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोटीन सो मच मोर सो देन चिकन एंड बीफ बिल्कुल सही तो लाइट भी होती है जरा फिश छोटी छोटी टिप्स भी हैं इसकी कि आप इसको अगर आलूओं को काट के ठंडे यख पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर देंगे तो फिर इसी तरह से अकड़े अकड़े से जरा और मतलब बनेंगे जैसे कि हम खाना चाहते हैं लटक जाते हैं एकदम से वो नहीं होगा अच्छा मेरे लिए इसकी भी टिप है एक बैटर के लिए हाँ। कि बैटर को अगर फ्लफी करना हो हाँ। तो स्पार्कलिंग वाटर जो हाँ। है वो इस्तेमाल करें देखिए इतना मुझे पता देयर यू कम अब देयर यू गो अब आपने बोलना शुरू कर दिया और क्या टिप्स है और क्या टिप्स हैं आपका फेवरेट हर्ब कौन सा है सब में से इनमें से या अदरवाइज जो well, I mean, I think, I mean, any dish is incomplete without salt, obviously. That is not herb. Yeah, but herb. आपका कोई है महा वो जो टोटका टाइप की चीजें होती हैं मेंटेन योर ब्यूटी के लिए आप कुछ चीज इस्तेमाल करते हैं कि ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए या
खूबसूरती के लिए वगैरह वगैरह? Not specifically a herb, but yeah, aloe vera is really good. तो आप यूज करती हैं? हाँ, you आप उसको स्किन पे लगाएं, बालों पे लगाएं, अगर आप एक टीस्पून एलो वेरा जेल, वो जो उसका प्लांट होता है ना, उससे आप निकाल के अगर एक टीस्पून डेली पिए और या तो खाएं, it like protects you from a lot of illnesses. Just plant का ही जो rock? हाँ, you just open the plant. But we have a plant at home. हाँ, उसको जेल निकाल के ना, put it in a jar और वो jar आप फ्रिज में रख दें. But it tastes horrible, like it has no, it's like avocado. I don't know if यहाँ पे avocado मिलता, but avocado is very good. Don't taste. You have to develop a taste for things. Maybe now if you have it, you like it. मतलब आप use करती हैं? Aloe vera gel. अच्छा, good. So aloe vera gel जो है वो health tip है एक तरह से, या beauty tip है माह की तरफ से आज सब देखने वालों को, कि उसको जरूर अपने diet में इस्तेमाल करें और उससे आप अपनी खूबसूरती को, अपनी सेहत को maintain कर सकते हैं. Polyphenols कहते हैं, उसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे ingredients होते हैं. और ये बड़े जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो एलोवेरा के अंदर. अच्छा, हाँ, एलोवेरा क्योंकि बहुत सारा सुनते हैं, बहुत सारी आई थिंक फेशियल क्रीम्स और इस तरह की चीजें, एनीथिंग. आप तो इवन ऑयल्स में यूज कर रहे हैं अब तो, आप बरकत के लिए तो कर सकते हैं. इनको गर्मी लग रही है ना एक्चुअली चूल्हे के सामने, इसलिए साइड पे उठे जा रहे हैं. खूबसूरत रंग है ना, अब इनको हम फ्राई करेंगे जब तक ये काले ना हो जाए. ये साइन होता है कि फिश जो है अच्छी तरह से अंदर पक चुकी है. अरे मिकाल, जब आप खुद खूबसूरत हो तो किसी दूसरे को ये कहना कि आप बहुत खूबसूरत है मुश्किल लगता है? नहीं, नॉट एट ऑल. मैंने खुद कभी, मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, कभी कभी लगता है. आपकी तालियां शायद रे आज. आई थिंक दिस वन इज डन. मेरा ख्याल है ये तो नहीं हो सकता कि बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ में जमीन आसमान. नहीं, बहुत कहते हैं, लेकिन मुझे खुद अपना आप जब मैं देखता हूँ तो आई एवरीवन, हर किसी को अपने अंदर खुले हुए फ्लॉज नजर आते हैं, लेकिन वो अगला जो होता है ना उसको वो आपके अंदर नहीं. जैसे हम लोग होते हैं, हम कहते हैं हमारी आईब्रोज भी बनी हुई और कितने हम पिकी होते हैं, लेकिन आपके सामने जो अगला होता है उसको वो देख भी नहीं रहा होता. अच्छा, अब आपके नजदीक निकाल एक आइडियल खूबसूरत मर्द अगर आप किसी को कहना चाहें तो कौन होगा? कौन होगा वो जिसको आप कहेंगे यार मैं इसको मानता हूँ, ही इज अ हैंडसम? अच्छा, दैट्स अ गुड वन. I think थोड़ा सा जरा एज और उसमें जाए, इमरान खान आई थिंक इज अ वेरी आइडियल, जो हमेशा से एक चलते आए हैं इन स्टैचर और उनकी पर्सनैलिटी भी, और नॉट हिज पॉलिटिक्स बट हिज पर्सनैलिटी आई थिंक. और आप आप किसको कहेंगी कि ये आइडियल खातून है, you look up to, जिसको कोई भी कोई दो सकती है वो पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर? There is a Pakistani actress that I adore. And that's Subha Kamar. I think she's gorgeous. She's a great actor Subha as well. नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है तो हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद अब इसके सिर्फ फ्राइंग रह गई है. रेसिपी आपने देखी बहुत आसान सी थी, हमने मेयोनीज में थोड़ा सा नमक, थोड़ी काली मिर्च मिक्स करके उसमें फिश को डिप किया, और फिर अंडे, मैदे और थोड़े से दूध के साथ बैटर बना के फिश को उसमें डिप करके कर लिया है फ्राई, और हमारा फिश एंड चिप्स बहुत आसान सी रेसिपी तैयार होगी. आज कल धुंध है, ख्याल रखिएगा अपना और उसके साथ साथ अपनी डाइट का भी. तो एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिलाता जनाब. खुश आमदीद और सुबह बखैर. चक्के बताएं कैसी बनाई है फिश? मैंने बनानी निकाल ली थी. कैसी बनी है? कौन जा कह रहे थे कि मैं चखूंगा आज? इतने लोगों ने नहीं कहा, इतने लोगों ने नहीं कहा था. जिसने कहा था उसको आपने कहा था चलो शेयर करो सबके साथ, और फिर टेस्ट करके बताओ भी कि वाकई बनी कैसी है. चिप्स नहीं, फिश. हाँ, फिश. अगर नमक इसमें ज्यादा हो तो वो मिकाल का कमाल है. नमक थोड़ा ज्यादा ही है. इत्तफाक में बरकत है, सुनिए ना वो हमने बात, इत्तफाक में बरकत है. नाइस नाइस है. नमक आपने बहुत कमाल डाला है. क्या नमक सही डाला? चूना, नॉट नमक, चूना. चूना और कार्डबोर्ड. एक नई रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की है आज. अच्छा महा, ड्रेस सेंस जो है वो किस तरह की आपकी है? आप ज्यादा वेस्टर्न में काम करती हैं, शलवार कमीज में ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ, बिकॉज हम लोग ज्यादातर कैनेडा में रहे हैं तो डेफिनेटली वेस्टर्न. लेकिन आई थिंक आप जहाँ पर होते हो उस मुताबिक से, जैसा यहाँ पे जब मैं आई तो आई स्टार्टेड वेयरिंग शलवार कमीज मोर. टोरंटो में ये होता है कि हाँ घर पे मेहमान आ रहे हैं तो सूटकेस खोला, शलवार कमीज निकाली, इस्त्री की, एंड देन मतलब इतना वहाँ पे कम यूज में आता है. यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा पहनना पड़ा, बट इट वॉज ओके. विंटर में आई एम गोइंग बैक टू जीन्स. और क्या इरादा है, काम करना है, कब तक करना है, क्या करना है, और फिर जिंदगी को कैसे प्लान किया हुआ है? कुछ है प्लानिंग के नहीं, जो होगा देखा जाएगा.
I'm not a fan of planning my life because I think aap kitna bhi plan kar le aur phir jab wo totally because I didn't plan acting it was a dream aur phir ab wo ho gaya abhi maine short term goals mein rakhti hu ki ha agle 5 saal tak karna hai aur inshallah aage jaake business but nothing very specific ha business kaun sa business bed sheets ka I want to do business bed sheets ka business yeah I've planned that actually bada prompt jawab tha matlab nahi because I've planned it all out na since so long and I'm actually saving up for it toronto mein we don't pakistan faisalabad has great bed textile industry yeah, I want to take it there yeah I want to take the business there yeah chalo ye to bahut achi baat hai ha bahut hai inshallah bas हमारे एक अदद एक्सपोर्टर में इजाफा होगा वी नीड एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं yeah. सारे बहुत सारे इम्पोर्ट करते हैं ना और आपको पता है कि फैसलाबाद से बैठी yes. बड़ी सस्ती मिलती है yeah, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बड़ी फैसलाबाद की एक और बड़ी खूबसूरत चीज है नुसरत फतेह अली खान साहब से लेकर बहुत सारे बाकमाल फनकार और गुलकार सो असद अब्बास है इनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है सो असद का एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है वो हम आपको सुनाएंगे आइए सुनाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मिकाल पे मुझे ज्वाइन करें माँ कभी किसी को कहा सानू एक पल चैन ना आवे आई थिंक इट्स बेटर कोई कहे तो फॉर अ वुमन आई वुड नेवर गो अप टू समवन एंड से अच्छा नहीं नहीं आई टू मच ऑफ एन ईगो फॉर दैट मतलब आप ये टिपिकल महबूबा टाइप आप कोशिश करो कि ही नोटिसेस यू वो कोशिश कैसे होगी कि ही नोटिसेस यू I don't know. उसके लिए क्या करेंगे आप इधर से उधर जाएंगी walk by him see if he notices but not sing for someone अच्छा कोशिश कर लोगे वो कह दे जितनी मर्जी कोशिश कर लोगे वो कह दे हाँ तो that's a good way कुछ तो मर्दानगी के है ना तो रहे exactly कुछ तो निस्वानी मान लेते हैं कुछ चीजें हमें भी अपने भी फराइज पूरे करने हैं उस से अच्छा आपने कभी किसी को कहा है सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बहुत बिल्कुल अपनी बीवी को रोज कहता हूँ मैं अच्छा वो मान लेती है वो यकीन करती है हमने एक आपके लिए गेम रखा हुआ है बहुत तस्वीरें हमारे सामने आएंगी मेरी टीम का बड़ा फेवरेट से एक एक्टिविटी है कुछ पिक्चर्स जो है वो आपके साथ होंगी और उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ करने लगी हूँ ये एक एक्टिविटी क्या है ये आपके सामने तस्वीरें आएंगी कुछ और आप उन तस्वीरों में से हमें बताएंगे कि आप इनको क्या कोई एक नाम जो है वो देने जा रहे हैं अच्छा खूबसूरती में कितने नंबर देंगे और लाइफ पार्टनर चूज करेंगे या इनकी कोई खामियां वो हम सारा डिस्कस करेंगे पहली तस्वीर मिकाल जुल्फिकार के लिए क्या आ रही है जनाब एक जरदारी सब पर भारी नंबर कितने देंगे नंबर 100 में खूबसूरती में नहीं हर एक चीज में खूबसूरती में जरदारी साहब टेन परसेंट की तीन अच्छी बातें आई थिंक इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन जिस तरह उन्होंने अपने 5 साल मुकम्मल किए ठीक और कोई गाना इनके लिए याद आता है गाना हाँ जो इनके लिए गा दें गुनगुना दें आज एक एक जहन में इमीडिएटली तो नहीं आता कोई तो आता होगा जरदारी साहब के लिए एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ताल्लुक भी है तो मैं कुछ ना आज आपका ताल्लुक है ये दिली जज्बाती ताल्लुक है जारा शेख इनको खूबसूरती में कितने नंबर देंगे ये क्या ट्रिक क्वेश्चन है क्या ये ट्रिक क्वेश्चन है क्या ट्रिक क्वेश्चन क्या चीज होती है इसमें क्या इसको खूबसूरती में कितने खूबसूरती में शी इज वेरी प्रीटी शी इज वेरी प्रीटी खामियां तीन अगर आपको बतानी जैसे आपने बाकियों की बताई है कोई सी तीन खामियां आपको बतानी होगी आई थिंक ज़ारा शुड हैव कंटिन्यूड वर्किंग जो कि उसने नहीं किया एंड शी वाज अ वंडरफुल सिंगर उसको अपने गाने पे कुछ करना चाहिए था बट और लाइफ पार्टनर के लिए चूज करेंगे नहीं करेंगे यस नो नो कमेंट नो कमेंट नो कमेंट इज अ गुड कमेंट ये किसने लगाई है तस्वीर जरा मुझे बाद में बताना किसने हां बिल्कुल ठीक है मिलना ना भाई बाद में मिकाल से अच्छा जी महा आपके लिए तारी इसी तरह से तस्वीर सबसे पहली तस्वीर महा के लिए कौन सी है जनाब पहचाना आपने म्यूजिक भी देखें क्या लगाया तस्वीर के साथ इनको आप किस हीरोइन से कंपेयर करेंगी इंटरनेशनल कोई भी हीरोइन इनको देख के जिसका ख्याल आता हो आपके जहन में आई थिंक एंजेलिना जोली बिकॉज ऑफ हर लिप्स एंजेलिना जोली वाह अगर एंजेलिना जोली को पता चल गया तो मोर लाइक राखी सावंत You're gonna get in trouble after. I don't care.
यू थिंक शी इज अ गुड होस्ट? आपको लगता है कि वो एक अच्छी परफॉर्मर है? आई हैवंट वॉच्ड मच ऑफ हर स्टफ, आई नो शी इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, बट या आई थिंक व्हाट शी डज एंड व्हाट द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट शी प्रोवाइड्स, आई थिंक दैट्स गुड. अ लॉट ऑफ पीपल वॉच हर, एवरीवन नोज अबाउट हर. और अब जो तस्वीर आ रही है ना, ये मेरे एक बहुत फेवरेट इंसान की और फनकार की है. ब्यूटिफुल पर्सन, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा अदाकार. सो हाँ, तो इनको क्या कहेंगी? इनको लुक्स में 10/10. थ्री गुड थिंग्स अबाउट हिम, ही इज ग्रेट टू वर्क विद, ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी एंड वेरी नाइस गाय. ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. आई वर्क्ड अ लॉट विद हिम. सो वुड यू लाइक टू हैव पर्सन लाइक फहद मुस्तफा इन योर लाइफ? अगर जिंदगी में कभी लाइफ पार्टनर चूज करने का वो हुआ? आई डोंट नो फहद कि वो अपनी लाइफ पर्सनल लाइफ में कैसे, बिकॉज आई कितनी मैच्योर बात की आपने. हाँ, कि काश सारी लड़कियों को समझ आ जाए. क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर एक बंदा आपसे, ही इज अ गुड कलीग, ही माइट बी टोटली डिफरेंट हस्बैंड, बट आई एम श्योर ही इज अ ग्रेट हस्बैंड टू. आई मेट हिज वाइफ, वो भी सेट पर आती थी, ही इज गॉट अ ब्यूटीफुल डॉटर. सो ही इज अ वेरी गुड गाय. वंडरफुल मीटिंग यू महा, वंडरफुल हैविंग यू मिकाल. आप लोग आए हमारी आज की महफिल, हमारा आज का प्रोग्राम आपके आने के लिए सज गया, उसके लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आप सब लोग भी, मजा आया आपके साथ. अपना रखिएगा ख्याल और अपने दुआओं में याद रखिएगा. मेरी तरफ से इजाजत अब लूंगी आपसे इस दुआ के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी. आप अपने अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में रहें, खैरियत से रहें, बखैर वाफियत रहें और अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.